नमस्कार, आप देख रहे हैं होमगार्ड 24/7। इस वक्त हम मौजूद है सौरभ भैया के वार्ड नंबर 97S में। आपको बता दें, बदोपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 लाख लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को सपने तो दिखाए जाते हैं ऊंचे ऊंचे, उन सपनों को चकनाचूर भी कर दिया जाता है। जी हाँ, कुछ टाइम पहले उपराज्यपाल व पूर्व शहरी मंत्री वेंकैया नायडू द्वारा तुगलकाबाद से जैतपुर तक मेट्रो लाने की मंजूरी दी गई थी, कुछ समय पहले उस मंजूरी को कैंसिल कर दिया। आज इन सभी मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे यहाँ के मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह राठौर जी से। सर, आपका हुंकार 24/7 बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपके चैनल को और सभी क्षेत्रवासियों को। जी सर, तुगलकाबाद से जैतपुर तक चार फेज की मेट्रो की पूर्व शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू व उपराज्यपाल के द्वारा मंजूरी दी गई, लेकिन अब वो रिजेक्ट कर दी गई। आखिरकार जैतपुर के लगभग 5-6 लाख लोगों के साथ अन्याय क्यों? हमारे माननीय सांसद रमेश विदुड़ी ने अथक प्रयासों से वेंकैया नायडू से ये मंजूरी दिलवाई थी जी। जिसमें नारायण दत्त शर्मा जो आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, उन्हें ये मेट्रो आना यहाँ पर मंजूर नहीं था और उन्होंने उनके हिस्से का जो 40% फंड होता वो दिया नहीं और कैंसिल करवा दी। इसके लिए अगर पूर्णतः दोषी है तो आम आदमी पार्टी की सरकार केजरीवाल और नारायण दत्त है जी। सर, बात करें मीठापुर चौक की, तो वहाँ पे पहले जाम की समस्या बनी थी, लेकिन उस जाम की समस्या को से निजात लोगों को दिलाने के लिए समाज सेवी शिव दयाल शर्मा जी ने जो रोड है वहाँ पर डाइवर्ट किया है, लेकिन अभी उस काम का श्रेय किसी और को दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? अब लोगों की आदत खराब है, काम करना नहीं चाहते, श्रेय के लिए होड़ में लगे हुए जी। सर, मीठापुर का जो पुराना पुल है उस पुल में दरार आ चुकी है और सिंचाई विभाग के द्वारा नोटिस भी लग गया है कि इस पुल पर वाहनों का प्रवेश वर्जित है, फिर भी वाहनों का आना जाना लगा हुआ है। क्या नेता सोए हुए हैं या जनता की जिंदगी इतना सस्ता समझे उनकी जिंदगी खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं? आम आदमी पार्टी के विधायक नारायण दत्त शर्मा को जी तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क करके और इस पुल को, नए पुल को जो फंड देती है दिल्ली सरकार, उसको फंड रिलीज करके तुरंत बनवाना चाहिए, और नहीं तो किसी दिन बड़ा हादसा होगा जिसका स्वयं नारायण दत्त शर्मा जिम्मेदार जी होंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्हें तुरंत इस पर करना चाहिए और हम लोग अगर वो ऐसा काम करते हैं तो उनका धन्यवाद और सहयोग करने को तैयार है जी। बदोपुर विधानसभा के किसी भी गली मोहल्ले व सड़क पर चले जाएं, कूड़े का हर जगह अंबार लगा हुआ है, आखिर कहां गया पीएम मोदी का स्वच्छ भारत अभियान? हमारे वार्ड में पूर्णतः कूड़े के लिए हम लोग गाड़ियां लगी हुई हैं और उठाते हैं। कूड़ा एक नित्य प्रक्रिया है, कभी सुबह हट जाएगा तो शाम को इकट्ठा हो जाता है, शाम को होता है शाम को हो जाता है, और कूड़े की हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं, और अगर कहीं समस्या भी है तो जब भी पार्षद को कॉल की जाती है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। सर, कुछ टाइम पहले केजरीवाल जी के द्वारा एक रैली में ये कहा गया था कि बदोपुर में अगर हमारी सरकार आती है, हमारे सांसद विधायक आते हैं, तो ओजोन से मुक्ति मिलेगी, लेकिन अभी भी बदोपुर में ओजोन लगा हुआ है जिसकी वजह से गरीब इंसान अपने घर की मरम्मत करना तो दूर बनवा भी नहीं सकता, क्या कहेंगे आप? एसटीएफ का गठन जो है केजरीवाल सरकार ने ही किया है, और जिसके अंतर्गत दिल्ली पुलिस, MCD और DDA तीनों डिपार्टमेंट आते हैं, और अगर वो एसटीएफ ख़त्म कर दें तो ओजोन से आधी निजात मिल जाएगी, और केजरीवाल और आम आदमी के जो विधायक हैं नारायण दत्त शर्मा, ये चाहते हैं ओजोन लगा रहेगा तो जनता में दोबारा वोट देगी, लेकिन उनका भ्रम है, जनता इनका बहिष्कार करेगी और अगली बार जमानत भी जब्त हो जाएगी जी। बदोपुर क्षेत्र के अंदर कभी DTC बस चला करती थी जो आज बिल्कुल बंद है, क्या कहेंगे इस पर आप? इसमें मैम जो अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी आई कि जो ऑटो हैं उसकी दलाली जो है नारायण दत्त शर्मा जी के पास जाती है, और वो दलाली के चक्कर में कभी बसें नहीं चलती, उन्होंने एक बार बस का ऑडिट भी कराया कि बस चलवाएंगे पर बस नहीं आई। माननीय विधायक रामबीर जी थे, उन्होंने बसें चलवाई थी और ये इन्होंने बसें बंद करवा दी, और बसें बंद करवाने का कारण ही एक है कि अगर ऑटो बंद हो जाएंगे तो दलाली बंद हो जाएगी, और इनको भगवान सद्बुद्धि दे, दलाली नहीं जनता के हित का भी देखना चाहिए, और जनता बहुत परेशान रहती है जबकि यहाँ पे बच्चों की स्कूल की बसें आ सकती हैं, भारी वाहन आ सकते हैं, बारात की बसें आ सकती हैं, तो DTC की बसें क्यों नहीं आ सकती? और इसको सुचारू रूप से चलाएं जिससे जनता वो 10 से 15 रुपया किराया देती है जो 5 रुपये किराए में पहुँच सकती है, तो इन्हें शर्म करनी चाहिए और तुरंत नई साल में पहले ही दिन बस चला देना चाहिए। सर, पूर्वांचल यूपी बिहार के लोगों कभी गुजरात से भगा देना, कभी महाराष्ट्र से भगा देना, और अभी हाल ही में कांग्रेस से मध्य प्रदेश के CM का पूर्वांचल यूपी बिहार के लोगों के लिए एक बयान आया, तो कब तक आखिर पूर्वांचल यूपी बिहार के लोगों पर अत्याचार होता रहेगा? गुजरात में जहां से यूपी बिहार के साथ दुर्व्यवहार हुआ, मारपीट हुई, वो करने वाले कांग्रेस थे, उसमें कांग्रेस के नेताओं की अरेस्टिंग भी हुई, और जो MP से जो भगाए गए हैं वहाँ पर भी
जो है वो कांग्रेस की पार्टी है, और कांग्रेस की पार्टी ही उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भगाती है और बदनाम बीजेपी वालों को करती है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अन्याय और अत्याचार है लोगों के साथ। हम उसी देश के वासी, उत्तर प्रदेश बिहार के भी लोग आते हैं जहाँ से वो आते हैं, और कमलनाथ तो स्वयं यूपी के हैं, फिर वो कैसे भगा रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। लवको चौक जैतपुर का बहुत बड़ा चौराहा है जिस पर रोजाना लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ता है। आखिर बदरपुर की जनता इस जाम से कब तक जूझती रहेगी? इस जाम का मुख्य कारण मैडम ऑटो है। अगर ऑटो को बसें चलने लगें और ऑटो हट जाएं तो जाम से निजात मिल जाएगी। केजरीवाल जी ने चुनावी समय में बहुत से वादे किए थे, जैसे कि वाईफाई फ्री करेंगे, बिजली बिल आधे करेंगे, लोगों को 20,000 लीटर पानी फ्री में देंगे, गरीबों को पक्के मकान देंगे। और आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे इनमें से आधे वादे भी पूरे किए हैं? केजरीवाल ने अभी तक कोई वादा नहीं किया। जैसे मोहल्ला क्लिनिक था जी, बोले हर जगह मोहल्ला क्लिनिक होगा, वो करीब इन्होंने 35 रिकॉर्ड इनका कह रहा है कि 35 स्कूल है, और हर जगह कहीं गाय बैठे हैं, कहीं कुत्ते बैठे हैं, एक दो जगह छोड़ के कहीं इनका डॉक्टर नहीं बैठता, कहीं दवाई नहीं मिलती है। इनका एक जनता को लुभाने का सपना था, वाईफाई क्या था ये भी एक सपना था, और इन्होंने कहा भाई हर जगह कैमरा लगाएंगे वो भी एक सपना था, 70 कॉलेज खोलेंगे वो भी, एक भी कॉलेज दिल्ली में नहीं इन्हें बना पाया 100, और जितना इन्होंने वादा किए उसमें से इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया, और लोगों को लुभाने के सिवाय अपने चुनावी वादे थे उनको छोड़ के अब चुनाव जीत लिया। दोबारा इनको जनता इन सब चीज़ों का जवाब देगी। सर 2019 से पहले 2018 का सेमीफाइनल बीजेपी हार चुकी है, तो 2014 में जो मोदी नाम की लहर चली थी, क्या लगता है आपको कि वो लोकसभा चुनाव आने तक खत्म हो जाएगी? हम MP भी नहीं हारे, राजस्थान भी नहीं हारे, बीजेपी की जो सीनियर लीडर था उसका कहीं टिकट बांटने में अथवा जो निर्णय सही नहीं ले पाई, SC एक्ट को जो था उसको उन्होंने जो प्रभावशाली रहा, और वहाँ पे राजपूतों ने वोट नोटा दबाया और वोट नहीं देने के कारण बीजेपी हारी। ना हम सेमीफाइनल हारे और ना हम फाइनल हारेंगे, दोनों जीतेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हुंकार 24/7 को अपना कीमती टाइम दिया। धन्यवाद जी। जैसा कि आपने देखा कि हमने रणवीर सिंह राठौर जी क्षेत्रीय समस्या राजनीतिक मुद्दों को लेकर बात की, और बात की हमने केजरीवाल जी ने जो चुनावी समय वादे किए थे उन वादों को लेकर, तो उनका यही कहना है कि केजरीवाल जी ने चुनावी समय में जो वादे किए वो उनमें से आधे भी पूरे नहीं कर पाए हैं, वो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, लोगों को लॉलीपॉप देते हैं। फिलहाल आप बने रहे हुंकार 24/7 के साथ, मैं रेनू चौहान, कैमरामैन सोनू यादव के साथ, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र।